सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन को और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में एक बार फिर से बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास की योग्यता रखते हैं, पूरे भारत में कहीं के भी रहने वाले हैं, तो आप पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन, MTS के पदों पर यहाँ कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन और या ऑफलाइन आवेदन। तो कैसे क्या करना है, क्या क्वालिफिकेशन, पूरी डिटेल से कैसे आवेदन करना है, क्या आयु सीमा होगी, क्या फीस लगेगी, सभी डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें आगे भी इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ आगे भी इसी तरह के और वीडियो, ताकि मैं डालता रहूं। सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के पदों के लिए यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन साथियों यहां पर आपको ऑफलाइन करने हैं और आवेदन करना है आपको इस एड्रेस पर। इस एड्रेस को आप नोट कर सकते हैं, इसी एड्रेस पर आपको इस फॉर्म को और आपके डॉक्यूमेंट्स सभी चीज़ें भेजनी हैं। दूसरी चीज़ यहां पर आप जानते चलें कि यह जो आवेदन है ये 25/11/2019 से शुरू हुए हैं और चेन्नई से ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है। और यहाँ पर आप देख आ रहे हैं कि नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जो मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन हैं, डिपार्टमेंट के हैं, केवल वही अभ्यर्थी इन पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे। तो आगे की डिटेल्स क्या हैं वो हम यहां पर देखते हैं। इसमें जो प्रेफरेंस हैं वो आप यहां पर देख पाएंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस और सेकेंड प्रेफरेंस सभी यहां पर दिए हैं इस नोटिफिकेशन पर। आप ये डिटेल से देख पाएंगे यहां पर, क्योंकि इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। अब यहां पर आप देख पाएंगे कि कौन कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सभी स्पोर्ट के नाम यहां पर दिए हैं। अगर आप स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये यहां पर स्पोर्ट आप चेक कर सकते हैं सभी के लिए आवेदन करने के लिए। ठीक है, क्या स्पोर्ट होना चाहिए तब यहां पर आप आवेदन कर पाएंगे वो यहां पर आपको देखना पड़ेगा। मिनिमम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन यहां पर कर पाएंगे। किस किस पोस्ट के लिए है, ये पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन पद के लिए है। अगर आप SC ST और OBC कैंडिडेट हैं तो यहां पर आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। अगर आप आवेदन करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के लिए, तो 18 से मिनिमम आयु है और मैक्सिमम 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। यहां पर भी आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ले केवल रिजर्वेशन उन कैंडिडेट को मिलेगा जो रिजर्वेशन कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं, जैसे कि SC ST या OBC। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आप अगर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पर 10+2 यानी कि 12वीं क्लास पास होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद पोस्टमैन में भी आपको 12वीं पास यहाँ पर मांगा गया है, साथ में तमिल लैंग्वेज की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की बात करें तो केवल 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पर भी आपको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 89 यहाँ पर सीटें हैं, पोस्टमैन के लिए यहाँ पर 65 यानी कि 65 पोस्ट हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 77 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। पे स्किल की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट को 25,500 रुपये से 81,100 रुपये मिलने वाला है। पोस्टमैन के लिए 27,700 रुपये से 69,100 रुपये यहाँ पर मिलेगा और मल्टीटास्किंग स्टाफ को 18,000 से 56,900 रुपये तक यहाँ पर आपको मिलेगा।
रहेगा। हाउ टू अप्लाई यानी कि आवेदन आप किस प्रकार से यहाँ पर कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वही एड्रेस दिया गया है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है, उसी एड्रेस पर आपको अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स साइन करने के बाद भेजने रहेंगे। फॉर्म आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.tamilnadupost.nic.in से भी नोट यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल फ़ीस की बात करें यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये की फ़ीस यहाँ अभ्यर्थियों को जमा करनी रहेगी, और यह फ़ीस आपको जो पोस्ट है यानी कि जो DD होता है उसके माध्यम से यहाँ पर जमा करनी रहेगी। DD किस माध्यम से आप बनवाएंगे, आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस से हमें DD यहाँ पर बनवानी रहेगी, ठीक है। अब इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट डेट है पेमेंट करने की पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, वो 28/12/2019 है, और रिसीव कराने की डेट है 31/12/2019। 31/12 से पहले आपको ये एप्लीकेशन और फीस वहां पर रिसीव कराना अनिवार्य है, उसके बाद ये एप्लीकेशन आपका रिसीव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पर लिए जाएंगे वो भी यहाँ पर आपको डिटेल से दिया है। मान लीजिए 12वीं पास अगर क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो हाई स्कूल और 12वीं के मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके आपके पास, साथ ही स्पोर्ट सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें स्कैन करने के बाद आपको भेजना होगा, साथ में DD भेजना होगा, ठीक है। एड्रेस यहाँ पर आप हिंदी में भी देख पाएंगे, सभी डिटेल्स यहाँ पर हिंदी में भी आपको दी गई हैं, अगर वहाँ से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी में भी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी जो सभी अभ्यर्थी यहाँ से देख पाएंगे। किस एरिया में कितनी वैकेंसी हैं, किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी हैं वो भी यहाँ पर डिटेल से दिया है इस PDF फाइल में, ये भी आप देख सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यह आपका यहाँ पर आवेदन फॉर्म है जिसे आपको फिलअप करके भेजना है। करंट फोटो, पोस्ट अप्लाइड, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो टिक कर सकते हैं, किस स्पोर्ट से संबंधित हैं वो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, और आपको फादर नेम, मदर नेम, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आपका, सभी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यह सेंड कर देना है। तो अगर आपको इस फॉर्म को भरने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, और कोई जानकारी के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए आगे भी इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।